हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? लव एंड लॉकडाउन एपिसोड 2 विल बी हैविंग आयुष डफारिया एंड पूर्ति डफारिया विद अस। आयुष डफारिया इज इन टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर ट्रक्स एंड पूर्ति डफारिया इज अ रेनाउंड इंटीरियर डिजाइनर एंड हैज कंप्लीटेड मोर देन 50 प्रोजेक्ट्स इन इंदौर इटसेल्फ। लेट मी ऐड देम। हेलो, हाय पूर्वा, हाय, हाय, हाउ आर हाउ आर यू? यू? ऑल गुड, ऑल गुड. ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। इट इज आवर प्लेजर. इट इज 100% आवर प्लेजर. सो पहले तो मुझे ये बताइए कि आप दोनों मिले कैसे? आई एम सराफा सराफा क्रॉल बाय लियो क्लब ऑफ इंदौर। अरे वाह, हम दोनों काफी ज्यादा फूडी हैं, मतलब प्योर इंदौरी है, तो ऑफ कोर्स सराफा इसी जगह पे मिलना था. सही है, बिल्कुल सही है। तो आप लोगों की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कैसी रही थी? शील एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे. एक्चुअली आई वाज न्यू मेंबर इन लियो क्लब, सो आई वाज गेटिंग स्कोल्डेड बाय वन ऑफ आवर सीनियर मेंबर एंड ही वाज लाइक डोंट लाफ डोंट लाफ। इट वाज लाइक मिक्स्ड फीलिंग फॉर बोथ ऑफ अस। आई वाज लाफिंग एट द आई वाज लाफिंग। अरे स्कूल में वाह, कार्ड पिटती तो स्कोर हंसाना पड़ता है कि भाई स्कोर हंसो हंसो. बस वो था, सब हाउ इट ऑल स्टार्टेड. दैट्स हाउ वी मेट ग्रेट, एंड थिंग्स गॉट टू एंड द बी. जर्नी स्टार्टेड। तो कितना टाइम हो गया आप दोनों की शादी को? सो इट हैज बीन 1 year एंड एग्जैक्टली 2 months. वी कंप्लीटेड 2 months यस्टरडे, सो टोटल 14 months टिल नाउ. अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच. सो लॉकडाउन तो खत्म हो गया है, अभी अनलॉक चल रहा है, तो आप लोगों का लॉकडाउन पीरियड कैसा रहा था? वेरी गुड, मतलब आई थिंक सो इट वाज वन ऑफ द अमेजिंग वेरी पार्ट। वेरी गुड. आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज़ फर्स्ट 3-4 days तो ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड, एकदम टेंशन बिकॉज़ टेंशन हो गया था बहुत ज्यादा, हाउ वी विल कोप अप विद विदाउट मेज एंड एवरीथिंग. एवरीथिंग, बट यस, बिकॉज़ ऑफ आयुष इट वेंट सो स्मूथली एंड थैंक्स टू हिम। तो नो, इन्होंने बेसिकली ऐसा क्या किया कि एकदम इजी हो गया आप लोगों के लिए? अब वो बोलते ना, इट इज ऑलवेज अ टीम एफर्ट, सो इट इज नॉट लाइक दैट. ताली तो दोनों हाथों से बजती है. सो फर्स्ट 4-5 days तो बहुत ज्यादा अनइवन था, कि समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू. ऑफ कोर्स वो तो हर एक के माइंड में रहता ही है, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वी गॉट द जिस्ट ऑफ इट एंड थिंग्स गॉट इट अनफोल्डेड बाय दैट टाइम ओनली. सबने अपना अपना फोटे समझ लिया कि हम ये कर सकते हैं, हम ये घर में कर सकते हैं, हम ये सब कर सकते हैं. एंड दैट्स हाउ वी ऑल केम टुगेदर. And we started enjoying it after a point of time. We started enjoying it, 100% we started enjoying it. थोड़ा सा दोनों का एक जो काम जो था वो आपस में डिस्कस करते थे. We started talking a lot, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना और अच्छे से समझे. Then everything very very smoothly. ग्रेट, अमेजिंग। तो मुझे ये बताइए कि इस टाइम में आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या क्या नई नई चीजें जानी है? आई वुड लाइक टू से आयुष ने बहुत अच्छा प्रूव किया हमारे हाउस को, हमारी मेड से भी बहुत अच्छा प्रूविंग किया है आयुष ने, एंड आई एम प्राउड कि हमें अभी मेड की कोई जरूरत नहीं थी 3 महीने। आई एम सो हैप्पी एंड यस, ही इज अ गुड कुक आल्सो। अरे वाह, बट जैसे एक प्रॉपर फूडी होता है, उसको डेजर्ट्स एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे लगते हैं. तो वी डिस्कवर्ड पूर्ति, वी कॉल अ पीके बाय द वे. घर पे हम लोग उसको एक पेट नेम पीके बोलते हैं उसको. तो अरे पीके ने तो पीके की काफी क्वालिटीज पता चली. एज अ बेकर शी यूज्ड टू बेक अ लॉट ऑफ केक्स. और मतलब एक सिमी आंटी को एकदम टक्कर दे दी इसने, और मैंने तो कई बार 6 भी मार दिया. तो एवरीवन वाज लाइक, आफ्टर एवरी 6 days माय फादर यूज्ड टू आस्क या पीके व्हेन के यू आर यार बेकिंग समथिंग न्यू फॉर अस। कि भैया अरे मेरा वाह, अब कुछ तो आपका सिमनीज छोड़ के आपके पास ही आना पड़ेगा। या यार. सो एवरीवन डस। इज सेइंग कि नए नए बिजनेस वेंचर ढूंढो, तो मेरे को लगता है मैंने ढूंढ लिया भाई. अरे वाह। तो आयुष जी आपकी हेल्प करते हैं किचन में कि इट इज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी?
आई थिंक हेल्पिंग से ज्यादा ही यूज टू टेस्ट. अगर मैं चॉपिंग कर रही हूँ तो बीच में से उठा के खा लिया, चीज ग्रेट कर रही हूँ तो इज लाइक लेट मी टेस्ट हाउ इज इट. आई एम लाइक चीज तो सबने टेस्ट करा है, तुम्हें क्या टेस्ट करना है भाई. और कैसी हेल्प मी अ लॉट इन किचन टू. मॉरली सपोर्ट काफी था, फिजिकली तो थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, कभी ऐसा कर रहे कभी वैसा कर रहे. बट एक चीज समझ में आई कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ईच एंड एवरीथिंग आल्सो, बिकॉज यू शुड नो कौन सी चीज क्या होती है, एवरीथिंग एवरीथिंग, मतलब खाने में भी क्या चीजें होती है, बिकॉज आई नेवर न्यू कि इतनी सारी टाइप की दालें होती है, इतनी सारी कुछ स्पाइसेस होते हैं, कभी कुछ नहीं पता. बट पूर्ति टॉट मी ईच एंड एवरीथिंग, इसको ऐसा बोलते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं. अरे वाह, इट इज इम्पोर्टेंट. मतलब आई हैव स्टेड इन हॉस्टल फॉर मोर देन 6 years, बट ये सब कभी नहीं सीखा था, आज वो भी सीखा है, तो आई एम श्योर कि आगे आके ये भी चीजें सब काम में तो आएगी 100%. इट्स अ लॉन्ग जर्नी. यस. तो खुद के, ये तो एक दूसरे के बारे में हो गया, खुद के बारे में क्या क्या नई नई हॉबीज, जैसे आपने बताया कि यू आर अ पेंटर इज वेल, तो आपने इसके ऊपर कुछ वर्क करा इस लॉकडाउन पीरियड में? Started wall painting. I am doing it in our bedroom only. With painting some different abstract on the walls to enhance the beauty of our room. So, उन्होंने आपकी हेल्प करी? Not at all. I am being a critic. थोड़ा बहुत मैं critics देता हूँ कि इसको ऐसा कर लो, no, इसको ऐसा कर लो. No, but it's all waste. No color combination, nothing. But I think end of the day I'm not that kind of yeah. artist के suggestions भी इतने बढ़िया लगे. So but end of the day वो realize करा कि यार ये तो सच्ची में पहले भी होना था, ये कभी ऐसे wall पे कभी painting सोची नहीं, कभी देखी भी नहीं. So it is a good thing. मतलब I बिकॉज हम लोग जैसे इंदौर में भी देखते हैं, आप लोग देखा होगा खूब सारी वॉल्स पेंटेड है, एवरीथिंग ब्रिजेस एंड एवरीथिंग में पेंटेड है, तो वो इतना अच्छा लगता है. देन वी सॉ आवर ओन वॉल्स, वो तो कितनी खाली थी. देन शी स्टार्टेड, शी टुक द इनिशिएटिव टू गिव मी अ डे और टू ब्लैंक कैनवास फॉर मी एंड आई एम पेंटिंग ओवर इट, एंड इट्स अ ह्यूज वॉल, सो उस पे पूरा स्केच करके शी शोड के ऐसा दिखेगा ऐसा दिखेगा. एंड आई वाज लाइक इमेजिन, तो मैं इतना नहीं कर पाया, बट मैं कह रहा था हाँ बहुत अच्छा दिखेगा, गो फॉर इट. अरे वही तो इंटीरियर डिजाइनर है, तो उनके दिमाग में एक अलग ही पर्सपेक्टिव रहा होगा स्टार्टिंग से कि यू नो ये ऐसा रहेगा. That's for sure. That's for sure. And अगर कुछ नहीं भी हो पाए तो एब्स्ट्रैक्ट तो बन ही जाता है. Absolutely. तो खुद फैमिली के साथ में आप लोग कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं? वी डिस्कवर न्यू वेज, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी ने तो काफी हेल्प करा है. सो पूर्ति के पापा मम्मी हो गए, उसकी बड़ी सिस्टर हो गई, आई हैव टू एल्डर सिस्टर्स, तो सबसे जूम से कनेक्ट करना तो बहुत इजी हो गया. सेलिब्रेटिंग एनिवर्सरीज एंड बर्थडे ओवर इट लाइव. सो वी सेलिब्रेटेड आवर फर्स्ट एनिवर्सरी इन क्वारंटाइन ओनली. सो बोलते हैं कि मेमोरेबल होनी चाहिए फर्स्ट एनिवर्सरी, तो हमारी तो इतनी मेमोरेबल रही कि अब सबको याद रहेगी. तो ऐसा क्या स्पेशल किया था आप लोगों ने एनिवर्सरी पर? फर्स्ट वी वर वेरी डूम्ड कि भाई वी ऑफ कोर्स हैड ट्रैवल प्लान्स कि हम बाहर जाएंगे, वी गो आउट ऑफ इंडिया. सो आई वाज गोइंग टू गिव अ सरप्राइज, आई प्लान्ड अ ट्रिप टू श्रीलंका विद हर, बट वो सब तो ऐसा रह गया. तो फर्स्ट फ्यू आवर्स वी वर लाइक यार ये तो मतलब इट इज क्या पता नहीं क्या होगा, इतना अच्छा प्लान कर रखा था और कहाँ से क्या चले गए. बट वी शी स्टार्टेड बेकिंग एंड शी टुक द इनिशिएटिव कि भाई आई विल बेक अ वेरी गुड केक, एंड बस वो एक फीलिंग आई कि इट इज नॉट अबाउट द प्लेसेस और इट्स नॉट अबाउट द पीपल, इट्स अबाउट हाउ मच वी ऑल वी बोथ sit together and enjoy this time together. So she baked the cake. हम लोगों ने पूरा दिन time spend करा खुद के साथ. We just started talking. That's it. We had good food, of course. उसमें हमारे parents ने करा. And then we started baking. फिर cake cut करा. Decoration थोड़ा बहुत करा. Then we started enjoying that thing. वो हमें बचपन वाले birthdays याद आ गई, जब खुद का birthday होता था तो कैसे खुद decorate करते थे, happy birthday लगाते थे. So we did each and everything that we could do, jitna stuff available tha karte, then we started enjoying it, and at the end of the day it was very memorable. Yes.
मतलब तो जैसा कहते हैं कि फर्स्ट एनिवर्सरी हमेशा यादगार होनी चाहिए, वो यादगार बन गई आप लोगों की. लिख दी गई है, हिस्ट्री में लिख दी गई है. सही है, बिल्कुल सही है. तो लॉकडाउन का सबसे ज्यादा पार्ट आप लोग क्या मिस करने वाले हैं? लेट नाइट मूवीज एंड गेटिंग अप लेट. एक्चुअली वी यूज्ड टू गेट अप बाय 9:30 और 10. मतलब हम पूरी समर एंजॉय कर रहे थे, मस्त जैसे रात को. नानी हाउस में एंजॉय करते ना, वैसे हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं. तो रात को बचपन नाइट की ऐसी क्या क्या चीजें जो आप लोगों को अभी याद आई है वापस से? ऑफ कोर्स वो खुद का शेफ बनना, रात को जाके भेल बनाना सीख गए दोनों, मैगी बनाना सीख गए, सब लोग सो जाए तो धीरे से जाके किचन में या जाना. नॉट ड्रॉपिंग एनी यूटेंसिल एंड यू आर कुकिंग. वी यूज टू कुक, वी यूज टू मेक थिंग्स फॉर सेल्फ, और फिर जाके मूवीज देखना, अलग अलग पुरानी मूवीज भी देखना जो बचपन में भी देखते थे. बैक वी टू बैक. स्टार्टेड वॉचिंग दैट वंस अगेन, वी स्टार्टेड वॉचिंग कार्टून्स वंस अगेन, अलग अलग टाइप की सीरीज देखने लगे. देन ऑफ कोर्स गेम्स खेलने लगे. वी आई 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 नेवर न्यू कि मैं लूडो इतना आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वापस खेलूंगा, बट यस, वी बट स्टार्टेड प्लेइंग यस, लूडो. वी डिड फ्रेंड्स एंड ऑल देन आवर फ्रेंड्स बैक इन बॉम्बे, दे यूज्ड टू होस्ट लूडो लूडो टूर्नामेंट. टूर्नामेंट. या तो इट टूर्नामेंट पूरा मतलब इट वाज ऑन अ नेक्स्ट लेवल फॉर 3 to 4 आवर्स, एंड वी यूज्ड टू एंजॉय सो मच. तो कभी कभी सोचा नहीं था कि भाई लूडो जैसे गेम में भी इतना एंजॉय करेंगे. सो ऑल द मेमोरीज केम बैक. वी वेंट टू आवर टेरेस आफ्टर अ सो लॉन्ग टाइम. मतलब कभी टेरेस पे से जाना होता नहीं था इन डेली रूटीन, बट वो एक रूटीन बन गया था कि इन द इवनिंग सनसेट एट द टेरेस ओनली. सो वी यूज टू लव दैट. तो वो सब चीजें वापस आई. पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना इन प्लेइंग टर्म्स ऑफ प्लेइंग गेम्स, हैविंग 3 मील्स, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर. ऑल द मील्स टुगेदर विद देम, मतलब एक तरह से वो चेरिश ही हो गया वापस. बचपन की सारी चीजें याद, बिल्कुल सही, मेमोरीज बिल्कुल सही. भी वापस. आपने जैसे बताया कि पोटी जी बहुत सारी चीजें कुक करती हैं इस टाइम में, उन्होंने बहुत सारी चीजें कुक करी, तो सबसे बेस्ट चीज कौन सी थी जो उनको आपको लगता है कि यार ये वाली चीज मुझे वापस से खाने मिलनी चाहिए? वैसे तो मैं अभी तो बोलूंगा ही सबके सामने कि हर चीज खाने मिलनी चाहिए. बट पूर्ति ने मेरे को एक बढ़िया तरीके की वेजिटेबल भिंडी, एक तरह से इट्स अ फेवरेट डिश आल्सो, तो वो खिलाई थी. तो आई कैन नॉट फॉरगेट दैट. इट वाज अ कॉम्बिनेशन एंड अनियन और भिंडी का कॉम्बिनेशन था, सो आई रियली लव दैट. एंड ऑफ कोर्स द केक, केक के लिए तो अब तो अभी भी माय फादर इज ऑलवेज इन लाइन कि भाई हर दूसरे दिन वो पूछ रहे थे कि आज क्या स्वीट डिश में? केक. वाह, दैट्स ग्रेट. आप लोगों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है. तो लॉकडाउन पीरियड का आपने बता दिया, लॉकडाउन में आप सबसे ज्यादा मिस किस चीज को कर रहे हैं? फ्री टाइम अब वापस, एक्चुअली क्योंकि बोथ ऑफ अस हैव स्टार्टेड वर्किंग अगेन. माय ऑफिस हैज रिज्यूम, हर वर्क हैज रिज्यूम. तो वो टाइम थोड़ा बहुत जो फ्री टाइम था कि वी यूज्ड टू मतलब बाय बाय 4 o'clock 5 o'clock वी यूज्ड टू सेट टुगेदर ऑल ऑफ अस एंड प्ले गेम्स कंटिन्यूअस फॉर 2 to 3 आवर्स द फैमिली मेंबर्स. वो टाइम अब थोड़ा बहुत मिस करते ही है. बट इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. We have that as a very good memory, and we know कि उसको we should continue it in a very smaller way. So time is the only thing that we miss, which is irony. But time तब था, तब आगे वाले time के बारे सोचते थे. अब time कम है, तो पहले वाले time के बारे सोच रहे हैं. एब्सोल्युटली पूर्ति जी, मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगी कि इट हैज बीन अ ईयर एंड 2 मंथ्स आप दोनों को साथ में रहे हुए, एंड इतना ज्यादा टाइम आप दोनों साथ में पहली बार स्पेंड कर रहे होंगे. मतलब ऑब्वियसली साथ में ही रहते हैं, बट काम के चक्कर में एक दूसरे को उतना टाइम नहीं दे पाते होंगे हमेशा, एंड पहली बार इतना सारा टाइम एक दूसरे को दे रहे हैं. तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगा था यार ये तो कभी हो नहीं सकती, पर वो भी चीजें हो गई? एक्चुअली इट्स लाइक कि आयुष वाज इज अ वेरी पेशेंट, बहुत ज्यादा ही वेरी मोटिवेटिंग. सो इन एवरी फील्ड ही इज लाइक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. एंड आई वाज सो स्कैर्ड कि शिट लॉकडाउन हो गया, आई कैन नॉट कुक प्रॉपरली, आई कैन नॉट हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो. बट ही वॉज लाइक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. सो यस, ही मोटिवेटेड मी अ लॉट एंड इट वेंट वेरी स्मूथली.
there's no one new thing that we discovered. Purti is also a very good haircut. Yes, actually, this is my new hobby. So, when she came with a scissor and razor trimmer, and she's like, "Yeah, aao aaj to haircut kar deta." I was like, "Nahi yaar, pehle hi thode kam hai, so all kuch kuch rest nahi lena." But it turned out to be a well. I adjusted and everything went well. So that was. So you were there starting में जब उन्होंने बोला कि चलो मैं करती हूँ. हाँ यार वो एक वो don't laugh at me videos है ना जो एकदम trimmer एकदम zoom से कर जाता है पूरा एक patch हो जाता है तो वो बार बार क्या ट्रैवल प्लान थे आपके? ये तो था कि आप लोग एनिवर्सरी पे बाहर जाएंगे, तो कहाँ जाने का प्लान था? श्रीलंका Everything was done, almost everything was booked and everything. But our anniversary was on 7th of April. So we were going to leave on 31st of March. But uske pehle hi everything was clear ke it has going to be cancelled. So mentally to prepare ho gaye the. Then I shared with her ke aisa kuch plan tha. Then hamare yes, hamare bahut close friends ki wedding lined up thi. So back to back weddings bhi thi. So we had to travel for that. But everything cancelled. So how did you react when you got to know ki you know ki aapke liye surprise tha itna acha wala and ab nahi ja payenge? I was like, okay, no issues, aap utna ka mujhe gifts de do, I'm happy. My bucket list is ready and I'm like, let's go for shopping, I'm happy after lockdown, utne ka mujhe gifts ka bahut sara gifts de do. Basically कि भाई गिफ्ट तो देना ही है, बाकी ट्रैवलिंग तो अपन किचन से रूम, रूम से डाइनिंग रूम, सब जगह कर लेंगे. चाहिए बिल्कुल बिल्कुल सही. मुझे एक ये चीज जाननी थी कि आप दोनों सोशलाइज काफी करते हैं, तो इस टाइम में फ्रेंड्स के साथ में कैसे कनेक्टेड हैं आप लोग? ऑफ कोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग एंड इट्स जस्ट अ कॉल अवे. सो this lockdown period also gave us a time to connect with each and every one of them because sabka kuch na kuch point of view tha during lockdown in all the sense ki matlab you should do this, you should do this, yahan paisa ho raha hai, wahan paisa ho raha hai, kisi ko kuch help chahiye, kisi ko kuch saman chahiye. So digital platform was one of them. Then alag alag social platforms bhi the. We couple of time we used to house party. हम लोगों ने ऑफ कोर्स लूडो पे तो खूब खेलते थे, अगले दिन वापस लड़ते थे कि क्यों मारा. आई एक्चुअली यूज्ड टू शाउट शिट पीके तुमने मुझे मार दिया. आई एम लाइक रियल में नहीं मारा है, लूडो में ही मारा है, प्लीज. वो दुख है यार, मतलब सामने बैठे और पता है कि तीन आएगा तो मेरे को मार डालेंगे, बट स्टिल शी उसको किल और फिर जीत जाते थे तो बहुत दुखता था. बट गेम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाज ओनली द वे दैट वी कुड इंटरैक्ट. And we made sure that interaction रहता है ताकि everyone feels good and सबको मजा भी आता था. Absolutely. तो ऐसा बहुत बार होता है कि जैसे आपको एक चांस मिल रहा है उनकी गोटी मारने के लिए, उनका टोकन मारने के लिए, तो एंड आप दूसरी भी चल सकती है, तो आप क्या चूज करती है, उनको मारना है? देखो मारने के लिए. He used to save me because I was like, अगर मारा तो देख लेना, बात नहीं करूंगी. एंड ही वाज लाइक ओके ओके आई विल नॉट किल यू. एंड जब इनको मारना रहता था ही वाज लाइक ओके किल मी, आई एम ओके. ओह क्यूट. आई रियली हैव नो ऑप्शन. बिल्कुल सही. अब तो हां नहीं तो बोलना ही पड़ा कि हां भाई मार लो अब. बाद में. बिल्कुल सही बिल्कुल सही. टॉकिंग अबाउट आपके बिजनेस के बारे में आयुष जी, प्री लॉकडाउन कैसा था and ab kya scope hai business ka? So we manufacture fire trucks, jo aag bujhane ki gaadiyan hoti hai, that is our one segment. We mainly supply to government of India only. So government supply is aise kabhi kam nahi hoti hai. So pre and post lockdown it has just time defer hua hai, baki the customers, the clients and everyone is same. Of course private clients ka thoda bahut backdrop hai, but government clients are always there. Our second wing where we do the installations of systems, fire systems and everything, that is mostly in private clients.
उसमें थोड़ा बहुत डीले हो गया है, बट एंड ऑफ द डे एवरीवन हैज देयर नीड. जिसको काम है, जिसको सेफ्टी के बारे में पता है, तो दे विल गेट इट डन. सो नॉट नॉट टू वरी अबाउट. तो इट विल गो ऑन, इट इज ऑन द सेम पेज. Great, great, great. Purti ji asking about your interior designing field. Designing field में अब क्या-क्या changes आएंगे, keeping in mind COVID-19. Yes, actually, before this, it was very easy for me to deal with clients. And after this COVID, and all my clients are calling me because we have to take all the safety precautions कि उनके घर में, offices में नहीं हुई ये सब. So we are going for partitions, privacy, their personal cabins are, we are putting sprinklers so that anyone enters can't get sanitized and then go inside. So there are changes in interior also, and as per norms and safety guard, we are doing it and we are coping up. Okay, let's change and something new is coming. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे हम. ठीक डन डन. हु इज मोर लाइकली टू फॉरगेट एनिवर्सरी? अभी तो अभी बहुत एक कम साल टाइम हुआ, बाद अभी वी कैन आंसर दिस. अभी तो और कोई भी हाँ, नहीं. और अभी लॉकडाउन में तो रेडी है, तो फिर अभी तो बिल्कुल बिल्कुल. हु इज मोस्ट लाइकली टू क्राई आफ्टर वॉचिंग अ सैड मूवी? ऑफ कोर्स ठीक है. वो तो लेट नाइट मूवीज में पता ही चल जाता हु इज मोस्ट लाइकली टू ब्लो ऑल मनी ऑन फूड? था. ऑफ कोर्स मी. आई हु इज मोर डोमिनेंट? हाँ जी बीइंग अ टिपिकल इंदौरी फूड तो भाई भगवान है. बिल्कुल सही. लाते जाओ ही कैन ईट. Who is more dominating in your relationship? ओह फिफ्टी का हाल है. सो बेसिकली आई विल से इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. इट मोस्ट रियली डिपेंड्स. स्टबर्न? आई हु ड्रेसेस बेटर? ऑफ कोर्स हु इज अ बेटर कुक? शी इज ब्लू डस्ट. Who is a better driver? Of course, me. Who wakes up first? तो आप उठते फिर उनको उठाते. चारों पोछे के लिए उठना I पड़ता है need ना. my panty on time, that's why. अरे वाह. Who is a better bathroom singer? ओपीके Who is most likely to finish an argument? आई विल डू दैट. सब शांत सब मोह माया यही करते हैं. ये आपका डायलॉग है सब मोह माया? प्यार दुलार यही काफी है पीके, और कुछ नहीं काम आएगा. अरे वाह. एक बार के लाइन उनको बोल के बताइए. अरे प्यार दुलारी काफी है, ठीक बाकी कुछ काम नहीं आएगा. हाउ क्यूट. हु इज द फनी वन? एग्जाम्पल वी गिव. Who takes longer to get ready in the morning? Who is a social butterfly? सोशल मीडिया सबसे ज्यादा कौन चलाता है? शिशिपुल भी टेल्स मी कि यहाँ पे ऐसा हुआ है, वहां पे ये हुआ है, वहां पे ये हुआ है. तो आई एम लाइक ओके ओके. बट लोगों से बात करना, सबके सामने कांटेक्ट में रहना, दैट दैट बोथ ऑफ अस डू, बट मैं थोड़ा से ज्यादा. लेवल अप. तो आप सीख रही हैं उनसे अभी. यस बिल्कुल सही. हु स्पेंड्स द मोस्ट मनी? हु इज मोस्ट पेशेंट इन योर रिलेशनशिप? हु इज इम्पोर्टेंट टू यू इंडिविजुअली? कंपेयर आई कैन टू आंसर, आई कैन गिव आंसर. आयुष के लिए तो फूड बहुत इम्पोर्टेंट है. His priority, so he's like, PK, I'll choose So, if food. given a choice, food or Purti, what will you choose? वो जो ही बोलता है ना, बोथ टुगेदर. बिल्कुल
What There was no option. it's like put your hands together. आपके लिए For me, everyone, not food, but yes, Ayush, my family members and everyone. स्वीट एक क्वेश्चन जो मुझे पूछना था और जो मैं पहले मिस आउट कर गई थी. आप दोनों एक दूसरे को कभी ऐसा हुआ है शी इज इन द फील्ड ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग और आपको कभी फायर ट्रक डिजाइनिंग में उन्होंने कुछ बताया आयुष यू कैन डू समथिंग लाइक दिस इन योर ट्रक डिजाइनिंग एंड ऑल. डेफिनेटली मतलब वी हैव इनहाउस डिजाइनर्स एंड इंजीनियर्स, बट एक थर्ड आई व्यू होता है ना, कि मतलब एक आउटसाइड का व्यू होता है, तो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स, बट 100% रीजनेबल, बिकॉज यू गेट टू नो यार ये तो सही है, ये तो कभी सोचा नहीं या कभी दिमाग में आया नहीं. सो अब जो भी रहता है, कुछ भी नई डिजाइन रहती है, सो आई टेक हर टू द फैक्ट्री, शी कम्स टू द फैक्ट्री एंड गाइड्स के ग्राफिक्स ऐसे कर सकते हैं, पेंटिंग में ये सब डिजाइन कर सकते हैं, विच एवरीवन लव्स, तो वो बहुत अच्छा लगता है. सो 100 थर्ड आई व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी प्रोफेशन, मतलब आई 100% रिस्पेक्ट दैट. बिल्कुल सही. और आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है आयुष जी ने आपको अपने आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह में कभी ऐसे किया हो? I'll tell you a नो complete नेवर example. मैं इसके साइड पे जाता हूँ तो मेरे को समझ ही नहीं आता यार, कि ये मतलब ये कांच का डोर ऐसे भी लगता है क्या? आई वाज लाइक प्लीज. अब मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया. ये अपने टीम से बात करती है कि यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, तो मैं तो बस देखते रहता हूँ कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता एंड अनदर थिंग, ऐसा कब कब हुआ है कि आपने इनको इंस्पायर किया हो और इन्होंने आपको इंस्पायर किया हो? लॉकडाउन में ये काफी समझ आया. पेशेंस एंड ऑल मैंने आयुष से सीखा है कि यू शुड लिसन फ्रॉम वन ईयर एंड लेट गो इट एनीवेयर. आई मीन एनी सिचुएशन, इदर इट्स क्लाइंट और एनीवन, इज लाइक लिसन, इट्स आवर जॉब एंड जस्ट लेट इट गो. And being अच्छा. optimistic, I have learned from her. Of course, lockdown में थोड़ा बहुत है ना pessimist हो जाते हैं, तो you have to be optimistic to search for good positive things. So she taught me that कि you have to be optimistic in each and every point. You have to look forward to each and every point in a positive way. So it will turn out to be in a positive way. तो of course वो सीखने को तो मिले. बिल्कुल बिल्कुल. एक लास्ट हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज आप लोग देना चाहेंगे? We would like to say, initially, as I said before, lockdown was very difficult. But as it went by, it was very enjoyable for all of us, because ये एक टाइम था, एक ऐसा स्पेशल टाइम था जहाँ पे वी Everyone was in their house and spending their time with टाइम रिस्पेक्टिव फैमिली फैमिली मेंबर्स, जो अपन डेली रूटीन लाइफ में कभी भी नहीं कर पाते. एंड यस, आई थिंक एवरीवन विल चेरिश दिस थ्रू आउट देयर लाइफ, बिकॉज़ ये 3 months की वेकेशन वापस तो नहीं कभी नहीं मिलेगी. मिलेंगे. आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम वो लगता भी है यार ये 2 महीने हो गए, पता ही नहीं चला 2 महीने कहाँ गए, ऐसे कहाँ हाँ गए, वो फीलिंग आती है. सो ये कि मतलब एंड एंड ऑफ द डे यही है कि लिव एवरी मोमेंट, यू नेवर नो व्हाट विल कल हैपन हो ना हो. टुमारो. यस, हमने एक मूवी भी देखी याद है. एक और चीज मैं एंड करने के पहले पूछना चाहूंगी, ऐसा कुछ जो आपने मूवी देखी हो और आप लोगों से यार ये वाला सीन अपन लोग रिक्रिएट करेंगे, कुछ हुआ है ऐसा कभी? हमने सीन तो नहीं, बट हमने ना काफी सारे ऐसे वीडियोस थे जो रिक्रिएट करे या करने की कोशिश करी, जैसे टिकटॉक में काफी सारे वीडियोस जो इस बार वायरल हुए थे, सब लोगों ने कहा, तो हमने काफी सारे ऐसे डांस वाले वीडियोस ऐसे सब करने की कोशिश करे. एक बार करके बट बता प्लीज साथ वो हमने इसलिए पोस्ट नहीं करे क्योंकि वो उस लायक नहीं थे, तो अभी लाइव जा रहे हैं तो उसमें तो और ओके भाई, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, आई एंड माय सेशन हियर इटसेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी. एंड ऐसे क्यूट कपल बने रहिए आप और सबको ऐसे कपल गोल्स देते रहिए. जैसे आप पॉजिटिव हैं वैसे ही पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग Thank you. मी. थैंक यू पूर्वा And it was all फॉर because of you that we यस, got to share our good time with everyone. आई वाज सुपर फन. थैंक यू सो मच. It was थैंक great यू. talking. Thank
थैंक यू थैंक यू मैं बस व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि द इंटरव्यू वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल एज वेल, तो किसी ने मिस कर दिया हो तो आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगी. थैंक यू सो मच, बाय बाय. बाय बाय.